So this was the first property of water. Isn't it very interesting? So clapping ho sakti hai. Second property apne samajhte hain. Yahan likha hai number 3, but we'll go by number 2 because the third property is very interesting property and that is my favorite property. तो इसमें इसको समझने के लिए यहाँ लेते हैं एक कोई भी कोल्ड ड्रिंक कोई भी कोला. दिस वॉज लाइक समवट लाइक वाटर, इसीलिए हम लोगों ने ये कोल्ड ड्रिंक लिया. अब इससे हम लोगों को कोई दुश्मनी नहीं है लेकिन फिर भी ट्रांसपेरेंट था पानी जैसा. और दुश्मनी क्यों नहीं है वो हम लोग देखते हैं. किसके किसके घर में ये आता है? सभी का घर में आता है. सभी के घर में आता है. ओके, ये क्या ये लेना चाहिए? टैप वाटर कोई भी हो सकता था. तीसरे में लिया कैंगन वाटर. सो दिस इज द पीएच चार्ट. अकॉर्डिंग टू पीएच के लिए अपने स्कूल में हम लोग देखे थे केमिस्ट्री लैब में पीएच चार्ट. Anything going towards this side that is acidic. Anything going towards that side that is alkaline. अपने अगर अपना बॉडी इस तरफ हो गया that means we are healthy. अपना बॉडी किस तरफ होना चाहिए एसिडिक या अल्कलाइन? अल्कलाइन होना चाहिए. सो व्हाट डू यू थिंक इज द पीएच ऑफ दिस अपना फेवरेट ड्रिंक? इसका पीएच क्या होगा आपके बॉडी? एसिडिक होगा कि अल्कलाइन? एसिडिक. कितना एसिडिक एक बार वो देखें. ने जो लिटमस पेपर में स्कूल से किए थे उसी का लिक्विड वर्जन. दिस इज द पीएच लिक्विड. इसमें डाले एंड यू कैन सी अ ब्यूटीफुल रेड कलर. रेड कलर लेडीज लोगों को वैसे बहुत पसंद आता है रेड कलर लाल लाल, लेकिन यहाँ पे तो बड़ा डेंजरस साइन दिखा रहा है. दो के आसपास मतलब 7 से इस तरफ जितना जाएगा एक 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 जीरो ऐड होगा. इस तरफ जितना जाएगा एक 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 जीरो ऐड होगा. 7 to 6 10 टाइम एसिडिक, 500 टाइम, 1000, 10,000, 1 lakh टाइम एसिडिटी अपने बॉडी में डालते हैं जब अपने इस तरह का कुछ भी कोला या कोल्ड ड्रिंक पीते हैं. तो इज इट गुड फॉर हेल्थ? ओके, तो ठीक है अपने घर में नहीं आता बहुत अच्छी बात है. बट द वाटर विच वी आर ड्रिंकिंग, लेट्स चेक द पीएच ऑफ दिस वाटर. अब ये जो पानी है ये भी कौन सा कलर दिखाई दे रहा है? येल्लो. येल्लो येलो. What does this mean? 10 गुना 100 गुना एसिडिटी अपने बॉडी में डाल रहे हैं. अपना बॉडी 70% पानी है. अपना डॉक्टर के पास जाते हैं कभी भी कुछ प्रॉब्लम होती है तो सबसे पहले बोलते हैं ज़्यादा पानी पियो ज़्यादा पानी पियो. अब पानी अगर ज़्यादा पी रहे हैं लेकिन वो इस तरह का अगर पानी है तो मतलब क्या हुआ? ज़्यादा एसिडिटी बढ़ाओ ज़्यादा एसिडिटी बढ़ाओ, है ना? तो ज़्यादा अगर बॉडी एसिडिक होगा तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट फैक्टर ऑफ कैंसर वॉज एसिडिटी. Now, when we are drinking this kangen water, the pH of this water is approximately 9 to 10 के बीच में 9.5. So when we are drinking this water, अपना body का जो pH है वो 9.5 में convert हो जाता है. So now, अभी यहाँ पे देखते हैं ये जो थोड़ा सा इसको deep कर दीजिए pH डाल के color अच्छा से दिखाई दे. अपना body इस तरह का है yellow. मतलब अपना बॉडी एसिडिक है बिकॉज 70% ऑफ अवर बॉडी इज वाटर. अगर ये एसिडिक है मतलब अपना बॉडी एसिडिक. अगर वो अल्कलाइन है मतलब अपना बॉडी अल्कलाइन. और जैसे ही हम आयोनाइज वाटर कैंगन वाटर पीना शुरू कर देते हैं जस्ट सी द मिरेकल हैपेंस एंड आवर बॉडी चेंजेस इनटू अल्कलाइन. सो अ बिग क्लैप फॉर दिस. सो दिस वाज द सेकंड प्रॉपर्टी. नाउ कमिंग टू द third and very important and my favorite property, that is the antioxidant property. फिर से यहाँ सारिका जी तीन ग्लासेस में एक कोल्ड ड्रिंक, एक पानी नॉर्मल पानी जो हम लोग पी रहे हैं और तीसरे में कैंगन वाटर. अब ये तीसरी प्रॉपर्टी वो क्या है? ओआरपी. ओआरपी इज व्हाट? ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल. फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड व्हाट इज ऑक्सीडेशन. जैसे एक एप्पल को काट के रखा तो थोड़ी देर बाद में वो क्या होता है? ऑक्सीडाइज हो जाता है. मतलब क्या? ब्लैकिश हुआ दिखने लग जाता है. तो ऑक्सीडाइज होने से वो किस वजह से होता है ऑक्सीडाइज? किस वजह से होता है ऑक्सीडाइज? एयर के
कॉन्टैक्ट में, हवा के साथ में कॉन्टैक्ट में आया और वो ऑक्सीडाइज हो गया, मतलब सिंपल भाषा में बोलो तो वो सड़ गया, ब्लैकिश हो गया, मतलब वो सड़ गया। तो लास्ट कब हुआ था? जब हम वही एयर को अपने बॉडी से बाहर रोक के रखे थे, उस एयर को 5 मिनट्स के लिए बॉडी के बाहर रोक के रखे थे। लास्ट कब हुआ था ऐसा? 5 मिनट के लिए एयर बाहर था, मतलब सांस 5 मिनट के लिए रुका हुआ था। कभी हुआ ऐसा? नेवर। तो दैट मीन्स कि जब से हम लोग पैदा हुए और अभी तक हम लोग का जो भी एज है, बॉडी कंटिन्यूअसली ऑक्सीडाइज होते जा रहे हैं, ऑक्सीडाइज होते जा रहे हैं, सड़ते जा रहे हैं, सड़ते जा रहे हैं। दैट इज वाई वी रिक्वायर एंटी ऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज, दैट इज माइनस ओ आर पी। ऐसी चीजें खानी चाहिए, ऐसा लाइफ स्टाइल होना चाहिए जिसमें माइनस ओ आर पी हो। माइनस ओ आर पी मीन्स माइनस ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल, सड़ने वाली चीजों से बचाने के लिए जिसमें क्षमता हो वैसी वैसी चीजें खानी चाहिए। तो उसमें क्या क्या चीजें आ रही है? ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ग्रीन टी, विटामिन सी, ये अगर सारा दिन खाए एवरीडे, इसको सिवा और कुछ नहीं खाए तो फिर हम लोग को ये प्रॉपर्टी मिलेगा। ओके, सो प्लस ओ आर पी इज वॉट नॉर्मल हम लोग का रूटीन, कोल्ड ड्रिंक, जंक फूड, पिज्जा, पास्ता, बर्गर, ये सब जितना भी हो ना, प्लस ओ आर पी टू जनरेट न्यू एंड हेल्दी सेल्स। ठीक है, माइनस 50 मिलीवोल्ट्स वॉज रिक्वायर्ड। अब ये चार्ज जो है, जिस तरह से हम लोग लैपटॉप और मोबाइल को चार्ज करते हैं, उसी तरह से अगर हम लोगों को इस चीज से अगर चार्ज मिलता गया, ताकि अपना बॉडी रिजनरेट हो रहा, हेल्दी रिजनरेशन, यस और नो? सो ये सब चीज़ों से हम लोग को माइनस ओ आर पी मिलता है। और अभी है ओ आर पी टेस्टर, जो आप बोले थे कि डेड वाटर एंड लाइव वाटर स्टोर प्लास्टिक में भी वो डेड हो जाता है। तो डेड चीज मिलीवोल्ट्स मींस व्हाट? करंट। करंट किससे पास होता है और किससे रिएक्टिंग करता है? अगर कोई लाइव चीज है तो उसमें रिएक्शन दिखेगा, अगर लाइव चीज में अगर करंट पास करेंगे तो वहां पे रिएक्शन दिखेगा, लेकिन अगर कोई डेड चीज है उसमें अगर करंट पास करेंगे कोई भी रिएक्शन नहीं दिखेगा। तो यहाँ तीन चीजें हम लोग लेंगे और ये ओ आर पी उसके अंदर डालेंगे। जो चीज में रिएक्शन हम लोग को दिखेगा, दैट मीन्स कलर चेंज आएगा। अगर ट्रांसपेरेंट कलर है, जैसा है कलर वैसे तो वैसा अगर रहेगा, दैट मीन्स इट इज डेड। बट अगर कुछ चेंजेस आए, कुछ पिंकिश टाइप का अगर कलर आया, दैट मीन्स इट इज लाइव, जिंदा है, जिंदा इंसान जिंदा पानी पीता है, तभी वो करंट का अफेक्ट हम लोग की बॉडी में आएगा, वो मिलीवोल्ट्स हम लोग को मिलेगा जो कि शरीर को हेल्दी बनाने के लिए चाहिए। तो अभी यहाँ पे देखते हैं ओ आर पी डाले एंड इट इज ट्रांसपेरेंट ओनली, नो रिएक्शन, दैट मीन्स इट इज डेड। कोल्ड ड्रिंक तो वैसे भी नहीं पीना चाहिए बिकॉज इट इज डेड। अभी पानी जो है आपके अकॉर्डिंग वो क्या है? ये भी डेड वाटर, कोई कलर चेंज नहीं है, एकदम डेड वाटर। तो अगर हम लोग पानी भी पी रहे हैं तो कुछ भी हेल्थ प्रोवाइड नहीं कर रहा है, हमारे शरीर को नुकसान ही कर रहा है। नाउ व्हेन वी आर ड्रिंकिंग दिस कैनर वाटर, जस्ट सी द ब्यूटीफुल कलर। आवर बॉडी वाज रिक्वायरिंग माइनस 50 मिलीवोल्ट्स, बट व्हेन यू आर ड्रिंकिंग दिस वन ग्लास ऑफ वाटर, यू आर गेटिंग माइनस 400 मिलीवोल्ट्स टू माइनस 800 मिलीवोल्ट्स। ये सुन के क्लैपिंग करने का इच्छा कर रहा है? एक्स्ट्रा चार्ज है, बचपन से लेके, जब से हम लोग पैदा हुए तब से लेके अभी तक हमारे बॉडी में जो भी नुकसान हुआ, जो भी ऑक्सीडेशन हुआ, उसको न्यूट्रलाइज करने का ये सबसे अच्छा उपाय है कि सिर्फ पानी पियो और स्वस्थ रहो। इससे सिंपल उपाय क्या हो सकता है? सो दिस वाज ऑल अबाउट, हाँ अभी देखिए ये पानी अपने पी रहे हैं, ये डेड वाटर है। जैसे ही अपना बॉडी में ये पानी थोड़ा सा डाल, ये पानी आना शुरू किया, तो देखिए कैसे बॉडी चेंज हो रहा है, लाइव बन गया अपना बॉडी, अपना बॉडी रिएक्शन करना शुरू कर दिया। लेकिन उसी तरह से ये पूरा टोटल कैंगन वाटर और इसमें वो कोल्ड ड्रिंक पूरा खत्म। तो ये क्या अपने घर में होना चाहिए ऐसा? नेवर। सो एटलीस्ट आज से अगर किसी के घर में ये स्प्राइट या इस तरह का कोई भी चीज़ आ रहा है, तो बिग नो नो फॉर द ऑल द कोल्ड ड्रिंक ड्रिंकर्स। आपके घर में सर आता है? ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट आयोनाइज्ड वाटर और कैंगन वाटर एंड कैंसर को किस तरह से अपने आयोनाइज्ड वाटर से ठीक कर सकते हैं। अगर आपका जो अभी क्वेश्चन था कि बॉटल में ही तो आएगा, तो अभी ये दिस इज द
वेरी इंटरेस्टिंग थिंग टू नो कि ये बॉटल में नहीं आता है, ये जो लाइव वाटर है ये आता है इस ब्यूटीफुल डिवाइस से। और ये डिवाइस, दिस इज अ मेडिकल डिवाइस एंड दिस इज मैन्युफैक्चर्ड टोटली इन जापान एंड द कंपनीज नेम इज दिस इज टोटली मैन्युफैक्चर्ड इन जापान, रॉ मटेरियल से लेके फिनिश गुड। अपने इंडिया में इसकी अवेयरनेस हुई 2016। आई गॉट टू नो अबाउट दिस डिवाइस इन नवंबर 2020। जब मैंने ये पानी पीना शुरू किया तो आई वॉज सफरिंग फ्रॉम थायराइड, बीइंग अ डॉक्टर बीइंग सॉल्विंग अदर्स प्रॉब्लम बट स्टिल आई वॉज सफरिंग फ्रॉम थायराइड सिंस 8 to 10 years। सिर्फ पानी पी के, मैम आप थोड़ी सी इस तरफ आ जाइए, सिर्फ पानी पी के 1.5 महीने के अंदर अंदर थायराइड एकदम नॉर्मल। नाउ आई एम टेकिंग नो मेडिसिन नथिंग एंड आई एम फिट एंड फाइन। अब से 2 साल पहले अगर मेरे को देखते हो थोड़े से ये ब्लेजर शायद मेरे को नहीं आता। दिस इज नॉट अलाउड, एज आई सेड दिस इज अ मेडिकल डिवाइस। दिस इज आयोनाइजर जिसमें आयोनाइज वाटर आता है, दिस इज वाटर आयोनाइजर। इसके अंदर टाइटेनियम की प्लेट्स है जिसके ऊपर प्लैटिनम का कोटिंग है। वाटर इज गेटिंग आयोनाइज्ड एंड इट ब्रेक्स इनटू 2 पार्ट्स। एंड यहाँ से जो भी आपने डेमोन्स्ट्रेशन देखा ये वाला कैनन पानी का, यहाँ से वो कैनन पानी आता है एंड यहाँ से दूसरा जो होस है यहाँ से भी बहुत ही वैल्यूएबल पानी आता है। जनरली हमारे घर में जितने भी आर ओ या जो भी फिल्टर्स है उसका तो काम नहीं।